चल बुलाऊं मैं यार पहले बता दे ये भाई ड्राइवर भैया सुबह सुबह ड्राइवर भैया ड्राइवर नहीं कलिंजा सकल भी राजू का जी तेरी सकल भी कलिंजर वाली लग रही है समझो क्या वो जो साइड में खड़े होकर ले भाई टिकट 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 पहले बता देती मुंह धुल लेता देखो मेरे साथ आने का मुंह हाथ पैर सब धो के आने का नहीं तो सीधा अपलोड हो जाती है समझा क्या एडिट कर दे रहा हूं धुलने जैसे लगे नहीं सुन ला सुन ला शक्ल तुम्हारी दिखाएंगे नहीं तो ऐसी पीठ दिख रही है खाली समझे क्या चार बजे मैंने कहा यार एक तो दिमाग का चिड़चिड़ चिड़ में का मुंह नहीं धुल रहा है और एक तो ठंडा ठंडा पानी है सोच में का और वैसे सत्य यही है कि किसी ने नहाया थोड़ी है हम खाली जा रहे हैं पीछे जंप भी आप रोके जंप आएगी लेकिन आगे जगह भी तो नहीं है ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है चलो चलते बाय बाय अभी इस महिला ने ना कन्फेस किया था कि ये बच्चों का पैसा हड़पती है क्या था ना मोटिया नो कमेंट्स संतरा मोसंबी या माल्ट्राज आप ले लीजिएगा संतरा मोसंबी या सर माल्ट्रे को आपको इसे छीलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं इसकी ले लीजिएगा जी सर आप डंडल वाले साइड या तो सर स्किल लेग साइड तो एट लास्ट मुस्कान के स्कूल पहुंच गए और उसको उठा लेते हैं अपन वेटिंग रूम में खा सकते हैं क्या वो हाँ खा सकते हैं वेटिंग रूम में जाओ कहाँ है वेटिंग मुस्कान को ले के आ जाओ मैं भी चलूँ क्या मैं चलूँ चलो तो फिर अब अपन उसको उठाएंगे और फिर उसके बाद आपको स्कूल दिखाऊं क्या थोड़ा सा बहुत प्यारा बना हुआ है तो आपको स्कूल दिखाती हूँ और फिर उसके बाद अपन लड़की को उठाते हैं और शांति से जाते हैं मेरे पैर बहुत गंदे वाले दर्द हो रहे हैं बच्चे बेचारे अपने स्कूल से वापस जा रहे हैं घर बड़े खुश रंगोलियाँ बना रखी हैं बच्चों ने बनाई हैं पता नहीं टीचर्स ने बनवाई हैं क्या है बड़ा प्यारा स्कूल है पेंटिंग कितनी प्यारी है उधर ये देखो भाई साहब ये बना रखा है इन्होंने इनका पर्सनलाइज्ड ताजमहल एक भाभी जा रही है मुस्कान को लेने मैं आपको ताजमहल दिखा देती हूँ देख रहे हैं इन्होंने पर्सनलाइज्ड अपना इन हाउस ताजमहल बनवा रखा है लगता शानदार रहा है वैसे क्या बोलते हो और जो सामने से दिखाते हो नर्सरी है जामा बना रखा है दैट्स हॉस्टल वो बॉयज हॉस्टल है शायद और ये गर्ल्स हॉस्टल है मुस्कान का जहाँ मुस्कान रहती है ओहो मुस्कान का हॉस्टल है और ये सुधांशु का भी हॉस्टल हुआ करता था पहले जब वो स्कूल में था ऑब्वियसली यहाँ से अभी बच्चे जा रहे हैं बेचारे इनको शायद इंदौर वगैरह कहीं छोड़ा जा रहा है बच्चों को हमें मुस्कान ने शायद पहले नाम नहीं इंटर करवाया था इसके लिए उसको लेने आना पड़ा है बट इट्स ओके आई होप जल्दी से आ जाए बस वह यहाँ पे ना एक चीकू का पेड़ लगा हुआ है शायद ये चीकू ही है मेरे हिसाब से तो पता नहीं
अब मैं और आप दोनों मिलके मुस्कान का वेट करते हैं अभी का भी। आ गई हमारी लड़की, हमारी लड़की आ गई, हेलो कर दो। इतनी कंफ्यूज क्यों, बहुत देर से वेट कर रही थी, सो रही थी। तुमको लग रहा था नहीं बन रहा है वीडियो क्या? कौन अभी उसको अभी मैं क्या देख रहा है? फ़ोन मिला है मैडम को इतने टाइम बाद, सबसे पहले खोल रहे हैं स्नैप। 3 महीने बाद फ़ोन मिला है, 3 महीने बाद फ़ोन मिला है, सीधा स्नैप खोला है भाई साहब, सीधा स्नैप। बुआ से कोई फर्क नहीं, माँ से कोई लगाव नहीं, स्नैप खोल रहे हैं बच्चे भाई, देख लो। मैं तो घर जाके बात करूँगी, अभी तो मोबाइल से तो कर लो, सारा याद कर रहा था मुझे। तो दो घंटे में दो दो घंटे के लिए 45 मिनट के लिए एक हफ्ते में से बात करती थी, तो अभी और किससे करने है, है कोई खाता? हो गया, अब इस बंदरिया को ले लिया हमने, अब जाएंगे कहाँ बाबू? दिख रही मैं, हाँ तुम तो वही झूठ। अच्छा बताओ तो सही, भाभी अभी क्या सीन है, खाना खाने जाना है? कहाँ चलना है बता दो भैया को, किशोर करके भैया, किसका फोन दिखाओ, देख लो अनुज पटेल बोल रहे हैं, दीदी का फोन दिखाओ, दीदी का फोन दिखाओ, दीदी फोन में इंटरेस्ट, दीदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अलग हमारे घर के नग है भाई साहब, नग। चलो अब जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद फिर कॉल कर, मतलब अनुज क्योंकि घर में अकेले हैं, उनके डिमांड है 5 पैकेट चिप्स लाना, 5 पैकेट चिप्स, उसके बिना घर में नहीं जाना। चलो भाई साहब यहाँ पे सब खाने पीने में लग गए हैं, हमने मंगाई है आज दाल फ्राई, हाँ भैया अचार दे दो, कोई भी अचार नहीं है, ठीक है नहीं था, ठीक है तो दाल फ्राई है, मिक्स वेज और बहुत अच्छे से तवा रोटी मिल गई है, और ऑब्वियसली सलाद और पापड़। गई 10 मिनट पहले, अब बस पकड़नी पड़ेगी, तो मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा बस स्टेशन, कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना, बाय।
हो गया, ये लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। मेरी बारी है, मैं भी घर मिलू जाऊंगी, पीकू को मिलूंगी। चलो चलो सामान निकाले। चलो भैया बैग उतार दो ना प्लीज। घर में दरवाजा सीधा सीधा नहीं खुलता भाई, मेरे घर का तो कभी नहीं खुला, याद भी नहीं। पीकू से मिलते हैं जाके, पीकू से। बैग को भी यहीं छोड़ देते हैं, काम शुरू हो गया लगता है, किचन का काम चल रहा है भाई साहब। चलो पीकू से मिलते। लाइट चालू कर लिया है, मैं बोला था तेरे को। मम्मी कैसे था ये? मम्मी मस्त था। जाएगा लड़का घुरा है बंदे दबा दी। चल मैं सो रहा था, तेरे को बिल्कुल याद नहीं किया। ऐसे बोलते हैं क्या? कम से कम देख लो, नहीं याद किया बोल, पहले किया ना मम्मा को याद, पहले बोल मम्मा को याद किया, मम्मा को याद किया। दूसरे कुत्तों की स्मेल आ रही है इसको मेरे हाथ से। इसका कुत्ता खिलाएगी? नहीं नहीं, मेरा तो एक ही बच्चा है। नहीं नहीं, तू दूसरे बच्चे से मिला। नहीं नहीं, मेरा तो एक ही लड़का है, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा दुलारा सा। मेरा गुड्डा, मेरा रसगुल्ला, मेरा बर्फी।